सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6.24, हम बात कर रहे हैं अ बुलेट ऑफ मास 0.012 केजी एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 केजी एंड इंस्टेंटली कम टू द रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक. ओके, उसके अंदर घुस जाती, सिंपल था, पेनेट्रेट कर जाती है. ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग by mean of thin wire. Calculate the height to which the block rises and estimate the amount of heat produced in the block. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास में ये collision का question है. यहाँ एक कोई point of suspension है और उससे एक block ऐसा suspended है. Okay, और इस block का mass जो है वो है m equal to 0.4 kg. और यहाँ पर एक बुलेट फायर हुई और इसके अंदर पेनेट्रेट कर जाती है और उसका स्पीड u इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड है. ओके, तो यहाँ पर अगर हम कोलिजन की बात करें, इन दोनों का जो कोलिजन है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ओके, मतलब कि दोनों का वेलोसिटी बाद में सेम हो गया. पहले m1 u1 और u2 तो ज़ीरो था और बाद में m1 प्लस m2 इंटू v. तो v यहाँ से मिलेगा हमको m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यहाँ पर हमने यूज़ किया है मोमेंटम कंजर्वेशन. क्या यूज़ किया है? मोमेंटम कंजर्वेशन. क्यों? क्योंकि कोलिजन का केस है और कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हैं. तो v इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है? 0.012, u1 का वैल्यू 70 और ये हो जाएगा 0.012 प्लस 0.4. तो v इज इक्वल टू 0.012 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 0.412. और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी कितना आता है? वेलोसिटी आएगा हमारे पास में अप्रॉक्सीमेट टू मीटर पर सेकेंड. वो आएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2.04 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. अभी कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा? तो यहाँ पर हमको एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना पड़ेगा. ओके, यूज़ करेंगे हम, रेड कलर ले लेते हैं, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी m1 प्लस m2 g इनटू h. ये कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. h इक्वल टू v, v का वैल्यू कितना है? 2.04 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g का वैल्यू 9.8 है ना. तो h का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है 0.212 मीटर. कितना आएगा? 0.212 मीटर h आ गया हमारे पास में. कितनी हाइट तक वो जाएगा? हाइट हमको पता चला. यहाँ पर अगर हम लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करें, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. ओके, तो यहाँ पर जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर सॉरी यू वन माइनस यू टू होल स्क्वायर u1 माइनस u2 होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसी से भी यही आएगा. तो 1/2 0.012 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.012 प्लस 0.4 इंटू 70 माइनस 0 का होल स्क्वायर. ओके, इसे आपको ही सॉल्व करना है. आगे मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर कितना होगा? इट इज़ 6.28.54
28.54 जूल, और इसे कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, 54 डिवाइडेड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल टू 6.8 कैलोरी, इतना हीट प्रोड्यूस होगा।